रहा है मनी प्लांट को, ये छोटे पत्तों का मनी प्लांट है, और अगर आप इसको बड़े पत्तों में लगाना चाहें कि बड़े पत्ते आपको चाहिए, बड़े पत्ते दिखना चाहिए जो कि देखने में अच्छे लगते हैं, तो वो इस तरीके के बड़े पत्तों को लगा सकते हैं। और इसके लिए मैंने अभी पहले से तैयारी कर रखी है कि कुछ नीचे से जड़ों से बड़े पत्ते का मनी प्लांट को तोड़ करके नीचे से निचले सिरे से जो बड़े पत्ते होते हैं उनको तोड़ लीजिए ये डंठलों सहित, और इन सबको धागे में बांध करके, धागे में इस तरीके से बांध करके, और लगभग दो से तीन दिन पानी में रख, एक पानी में किसी भी डब्बे या किसी भी की सहायता से पानी में आप डुबो करके रखें, जिससे कि इसमें हल्की सी रूट्स निकल आएंगी। और उसके बाद आप इसको फिर इस तरीके से खोल करके, मनी प्लांट को खोल करके, और फिर जब जिस प्लांट में भी आप लगाना चाहें पॉट में, उसमें आप इसको लगा सकते हैं, और ये देखने में आज बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि अगर आप छोटे पत्तों का मनी प्लांट की कलम लगाते हैं तो पत्ते छोटे ही रहेंगे। जैसे मैंने पहले लगाया था तो ये छोटा मनी प्लांट था, छोटे पत्तों का मनी प्लांट है, और इसको एक तरीके से सबको बाद में खोल लीजिए सब अलग अलग करके, और जिस तरीके की बीच में मैंने एक पाइप में बोरी लपेट करके, प्लास्टिक के पाइप में बोरी लपेट करके एक सपोर्टिंग दी थी जिसमें एक गमला देखने में अच्छा लगे, तो इसके लिए जब तक ये बड़ा ना हो जाए तो इस तरीके से किसी भी एक डब्बे वगैरह में ले करके आप, और पॉट में जैसा भी उसमें एक पन्नी लगाएं, और नीचे ड्रेनेज होल जरूर रखें पन्नी लगा करके, और फिर अपन इस तरीके से इसमें मिट्टी भर देते हैं। और मैं इस चीज़ का ध्यान रहे आपको कि क्या नाम से, जब आप इसमें मिट्टी भरें तो अच्छी तरीके से मिट्टी आपकी जो सोयल तैयार की गई है वो बिल्कुल ड्रेन सिस्टम होना चाहिए पानी का, कि मतलब पानी आपका आसानी से बह सके, पानी इसमें स्टोर ना हो। और ये इस तरीके से अपन ने इसमें भर लिए, के बाद दो से तीन बार हल्का सा उसको हिला लें, और इस तरीके से क्या नाम से आप इसके मनी प्लांट को धीरे एक 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 पत्ते पानी डालने में खराब हो गए हैं, पत्ते मिट्टी लगने से खराब हो गए थोड़े, तो इस तरीके से उनको साफ कर लें। और एक तरीके से एक एक करके मट्टी में एक 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 करके आप इस तरीके से लगा दीजिए, जैसे मैंने लगा के एक पहले से तैयार कर रखा है। और ये तरीके से आप हल्का हल्का उनको गड़ा करके नीचे, और फिर इसमें अपन पानी छोड़ दें, पानी पूरा भर दें ताकि आपके मिट्टी पूरी नीचे तक आराम से गीली हो जाए धीरे धीरे करके। और इस प्लांट को फिर उठा के आप छांव में लगा सकते हैं। ये मैंने अभी इस तरीके का गैप बीच में इसके लिए दिया है, इसमें भी दे रखा है ताकि आगे चल के इस तरीके का कुछ दो से चार दिन बाद एक इस तरीके का डंडा बीच में लगा सकते हैं, लकड़ी के डंडे लेकर के उसमें बोरियाँ लपेट करके और तारों से बांध के इसको बांध देंगे, और इन शाखाओं को धीरे धीरे करके जिस तरीके से मैंने इसमें चढ़ाया है आप भी इसको उसमें चढ़ा सकते हैं, और धीरे हल्के पतले धागे की सहायता से उनको बांध दें, ताकि बांधने के बाद में जब प्लांट तैयार होगा तो कुछ इस तरीके का ही होगा, लेकिन ये बड़े पत्तों का प्लांट है तो बड़े ही पत्ते आपके इसमें निकल के आएंगे। और दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, धन्यवाद।